हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद स्नेहा। कैसे हो आप सब? और आप सभी की दुआ की वजह से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, ये मेरा 2022 का फर्स्ट व्लॉग है और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। मैं बहुत दिन बाद आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे बीच बीच में क्या हो जाता है पता नहीं। फिर मैं थोड़ी देर में मोटिवेट होती हूँ, फिर मैं ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ, फिर मुझे थोड़ा 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 डिमोटिवेट होते चले जाते, फिर मैं मोटिवेट होती हूँ, फिर मैं ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ चलता आ रहा है, चल रहा है। बट अब सोच रही हूँ कि ब्लॉगिंग नहीं स्टॉप करूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि बीच बीच में मुझे क्या ही हो जाता है कि मैं रुक जाती हूँ। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुका है और आप देख सकते हो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक फुल पैक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आज का तो मुझे नहीं मालूम, मे बी पेपर में आया होगा। आज कितना 8 तारीख है और आज का टेम्परेचर है पता नहीं कितना, दिख नहीं रहा है मुझे एक्चुअल पेपर में। खोलूंगी ढंग से तो फिर दिखाई देगा। मतलब वो आता है ना टेम्परेचर पेज, वो ओपन करेंगे देन दिखेगा। तो आज का जितना भी टेम्परेचर हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे तो ठंड लगती ही है चाहे कम। सो गाइज, अभी शाम का टाइम है और थोड़ा थोड़ा सा मुझे भूख लग रहा है। बिकॉज सुबह में ही मैंने खाया था, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था, तो थोड़ा सा भूख लग रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले स्टोर में क्या क्या है। स्टोर रूम की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को मैं फर्स्ट टाइम अपने स्टोर रूम में लेकर के चल रही हूँ। एंड हमारे स्टोर रूम में आने से पहले ऐसे करके झुकना पड़ता है एंड देन आगे बैठ जाओ। एंड दिस इज माई स्टोर रूम। थोड़ा सा बस दिखाऊंगी, ज़्यादा दिखाऊंगी वरना मम्मी को पता चलना बड़ा डांट पड़ने वाला है कि क्या ही सब चीज़ दिखला देती हो, सब चीज़ दिखला देती हो। तो थोड़ा सा दिखलाऊंगी स्टोर रूम में, देखते हुए मेरे खाने के लिए क्या ही है। अच्छा, मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। मुझे कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ खाने के लिए, और भूख भी मुझे काफ़ी तेज लग रही है। तो पहले मैं कैमरा को सेट कर देती हूँ कहीं पे, लाइक दिस। एंड यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम है, छोटू सा लाइट जला हुआ है यहाँ पे। आई होप कि आपको मेरे वॉइस प्रॉपर मिल रही होगी। और यहाँ पे थोड़ा इको और यहाँ पे थोड़ा सा आपको इको वाला वो आवाज़ आ रहा होगा, बिकॉज ये रूम थोड़ा सा यू नो नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ पे आवाज़ गूंजता है। हालांकि ये जगह खाली नहीं है बट स्टिल आवाज़ गूंजता है, आई डोंट नो व्हाई। सो आप लोगों को पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं मालूम। ओके, सो देखते हैं कि क्या है खाने के लिए। इधर मुझे कुछ थोड़ा बहुत सूप वगैरह नज़र आ रहा है, पर अभी नहीं पीना, मन नहीं कर रहा अब सूप वगैरह का। मम्मी कह रही थी कि नूडल्स है, तो हम देखते हैं नूडल्स है कि नहीं। एंड गेस व्हाट, मुझे क्या मिलाएंगे जैक। हाँ, देखती हूँ कुछ है या नहीं, कुछ मिल जाए। हाँ, मिल गया। सो मुझे नूडल्स मिल गया गाइस। It's a Hakka noodles. It's a kind of noodles. It is. Oh, मुझे लगा ये वाला पालक वाला है, spinach. But नहीं, ये पालक वाला नहीं है। मुझे पालक वाले नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। किस किस को पालक वाले नूडल्स अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले। और जो लोग पुराने देख रहे हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं इतने दिन बाद वापस से व्लॉग बना रही हूँ, बट आप लोग प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहे। तो चलो, अरे मुझे तो बहुत मेरा मतलब यमी चीज़ मिल गया, हाजमोला। एंड अरे वाह, यहाँ तो मेरी लॉटरी लग गई दो। अरे वाह, 3 दिन हाजमोला, 3 फ्लेवर का हाजमोला मुझे नज़र आ रहा है। अनारदाना, इमली और रेगुलर वाला आई डोंट ईट ज़्यादा। मुझे ये दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं मतलब हाजमोला लवर हूँ। मतलब ये नहीं कि मुझे मतलब हाजमे में प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है हाजमोला खाना। तो ओ, ये तो सील पैक था, अभी मैंने खोला ही शुरू किया मेरा। देख सकते छोटू सा हाजमोला, ये अनारदाना है। किसी को हाजमोला देखे से मुंह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट करो क्योंकि हाजमोला देखते के साथ ना मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। और ये रहा हाजमोला इमली, इसको हम लोग मीठा वाला हाजमोला बोलते हैं, वो अनारदाना, और इसको मीठा वाला हाजमोला बोलते हैं, इमली नहीं बुलाते। खुल जाओ सिमसिम, खुल गया। ये बस चिकना चिकना टाइप का होता है, देख सकते हो चिकना। ये वाला खत्म हो जाता है फिर ये वाला खाऊंगी।
तो मुझे तो हाजमोला मिल गया। यार ये नूडल्स देखते हो, नूडल्स कैसे बनाना है, कुछ वैसा खास तो है नहीं। सोचते हो नूडल्स बना दो आज खाने में, बना सकते हैं ना। मैं सर्च मारती हूँ अभी यूट्यूब पे कि क्या क्या है नूडल्स में, कौन कौन सा क्या क्या कैसे बनेगा, कुछ नया कुछ ऐसा अपलोड किसी ने किया है नूडल्स बनाना तो देखती हूँ, वरना फिर वही पुराने तरीके से बना देना है, प्याज व्याज भून भान के हो जाएगा। तो नूडल्स मिल गया है, अब चलते हैं हमारे स्टोर रूम से बाहर। और आप लोग को मेरा स्टोर रूम कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए बाहर चलते हैं, वो अब हम लोग कहते हैं स्टोर रूम को टाटा। स्टोर रूम से बाहर निकलने में भी आपको झुकना पड़ेगा, खड़े खड़े आप नहीं जा सकते। एंड मेरे स्टोर रूम का जो नज़ारा है ना इस तरीके का, देख सकते हो थोड़ा मंदिर शेप का बना हुआ है। पता नहीं पापा को क्या दिमाग आया इस तरीके का, उन्होंने स्टोर रूम बनवाया, पर जो भी है यूनिक है। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग को, आप लोगों ने ऐसा स्टोर रूम आई डोंट थिंक कभी देखा होगा। स्टोर रूम का पहले लाइट ऑफ कर देते हैं, मम्मी देखी अरे लाइट ऑन है। तो अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके तो गाइज मैं जा रही थी नूडल्स के लिए अनियंस कट करने, एंड समटाइम्स आई एम वंडरिंग कि आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि रील्स पे या शॉर्ट्स वीडियोस में लोग जो है अनियन कट करते हैं तो यूँ इस तरीके से नाइफ पकड़ते हैं, देन शक 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 शक, या फिर टक 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 ऐसे करके कटिंग करते हैं। तो आप लोग भी सोचते हो कि आप लोग भी कभी इस तरीके का ट्राई करो, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जब कट कर ही रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ, बट से तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा कटिंग होता है। तो सबसे पहले दो पीस में प्याज को कट कर लेते हैं, एंड देन देखते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने इससे पहले कभी भी प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं किया, बस मैंने शॉर्ट्स या वीडियोस वगैरह या रील्स पे भी देखा है कि लोग ऐसे करते हैं नाइफ पकड़ते टक टक टक, टक कटते हैं, या फिर ऐसे करके टक 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 काट लेते हैं। तो देखते हैं कटता है या नहीं कटता है सही से। तो पहले मैं कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ बिकॉज मेरा फेस नज़र आ रहा है, बट मेरा चॉपर बोर्ड ही नज़र आ रहा है। ये आया मेरा चॉपर बोर्ड। ओके सो लेट्स सी होता है या नहीं, बिकॉज मुझे नहीं मालूम होता है कि नहीं, मतलब हो तो जाता है ऑब्वियसली, बट जिसको आदत रहती है वो प्रॉपर काट लेते हैं, जिनको आदत नहीं रहती वो नहीं काटते। और मुझे प्याज से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, मैं कभी भी प्याज को सही से कट नहीं करती। मैं भाई आवाज़ दे रहा है, इग्नोर हिम। ओके तो ये सही मुझे डर भी लग रहा है ये कट करने। ओके नहीं हुआ, मतलब कटिंग थोड़ा अनइवन हो गया, देख सकते हो अनइवन टाइप का कटिंग हुआ, कहीं से कहीं कहीं से कहीं। तो फर्स्ट वाला वो फेल हो गया, एंड देन सेकंड थिंग ऐसे हाथ रखते हैं ऐसे कर लेते हैं। आई थिंक इसके लिए नाइफ जो है वो बड़ी वाली होनी चाहिए, तो देन थोड़ा 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 कट हो जाएगा, बड़ी छोटी वाली नाइफ से नहीं कटिंग होगा। बट अपन लोग ठहले बिहारी, तो अपने बिहारी लोग नहीं ऐसे ही काटते हैं। तो मैं ऐसे ही चॉपिंग करूंगी, मतलब हद है ना कि ऐसे लोग कर लेते हैं, मुझे बहुत होनी है काटने में, हालत खराब होती है मेरी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ओनियन जो है वो मम्मी से कट करवाती हूँ या फिर मेरी दीदी कट करके देती है। मुझे ओनियन कट करने में मेरा मतलब क्या मरती है मुझे खुद को नहीं मालूम, बट चलो कट कर लेते हैं। और मम्मी मेरी कट करती है ऐसे खड़ा 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 काट लेती है। भाई साहब ये सब आर्ट है, आर्ट कला है, कला। जैसे तैसे तो काट ही लूंगी मैं उन्हें। आई नो दैट कि तुम अभी वीडियो बना रहे हो, मेरा मेरे को मालूम था मेरा भाई भी मेरा वीडियो बना रहे हो, मतलब मैं इतनी फेमस हूं ना कि वो अपने वीडियो में बिना मुझे लिए रह नहीं सकता। तो भी देख सकते हो आए गए हमारे जो शोले के थे ना, शोले शोले में कौन एक्टर था जो वो मतलब शॉल ओढ़े हुए रहता था, संजीव कपूर। ट्राइपॉड पे रियलमी का कैमरा लगा के
को लगा के प्याज काटना दिखा रही हो लोगों को। ये देखिए संजीव कपूर है। तुम सही में प्याज काटना दिखा रही हो लोगों को? हाँ हम ट्राई कर रहे थे हैक्स। हैक्स? हाँ, हैक्स नहीं बटिया। प्याज काटना कब से हैक हो गया है? ऐसे करके कटिंग करते हैं ना लोग ऐसे। अम्मा एक चाकू चाहिए होता है। हाँ तो हम एक्सेप्ट किए कि चाकू मेरा छोटा है। तुम्हारे पास दिमाग भी छोटा है। शट अप जस्ट गेट लॉस्ट। एक तुम हो हो गया। सो मेरा चॉपिंग हो गया। और तुमको हर बार वीडियो में हम ही चाहिए होते हैं। इसको ना हर बार वीडियो में गाइज हम ही चाहिए होते हैं। इनका थंबनेल के लिए इनके वो इनका थंबनेल के लिए इनका टाइटल के लिए और इनके व्लॉग में मतलब हम फेमस हैं। मतलब बिना मेरे इनका व्लॉग इनकम्प्लीट है। और इनके व्लॉग ऐसे मम्मी बोलेगी प्याज काट दो बेटा तो मौत आएगा तुमको। और ऐसे बैठ के हैक लगा रही हो है ना। नहीं हम ट्राई कर रहे थे कि वो ऐसे टक टक वाला कटिंग होता है। टक टक नहीं कर देती तो मम्मी का हेल्प हो जाता। अरे तो हम हेल्प ही ना कर रहे हैं मम्मी का। और ये दो दो वो लाइट जला के रखी हो बिजली का बिल कौन भरेगा? मेरे पापा। ओके तो तुम अभी जो संजीव कपूर बने हुए हो वो वाला शोले वाले अबे कैमरा तो ऑन है। नहीं इट्स रनिंग। हु टोल्ड यू? वाह ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो शाम के 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना और 5 मिनट का वीडियो भी बना लेते हैं। हाँ 5 मिनट नहीं और एक हम है जो सुबह अभी शाम में मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया गाइस और उठते के साथ आंख खोल के हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग बोलते हैं दिन भर जब जागो तब सर। अरे व्लॉग आना चाहिए। अरे क्या कैमरा क्वालिटी है मेरे को फोन दे दो भाई। सो गाइस अरे तो क्या हुआ हम अपने पैसे से फोन लाएंगे। अरे बुद्धि लाओ पहले बुद्धि लाओ। गो नाश्ता लो मेरा फोन। ओके मेरे को थंबनेल चाहिए। चो प्याज काटते काटते नशा चढ़ गया इसको। सो गाइस चो और तुम्हारा रिएक्शन तो चो मतलब इतना गंदा था। हमारे तो नोक झोंक चलता रहेगा। इस बीच में नूडल्स कहीं ज्यादा ना बॉयल हो जाए। कभी किसी चुड़ैल को हंसते देखे हो? शट अप। चाउमिन बन रहा है। हमारा नूडल्स जो है वो बॉयल हो चुका है। अरे चाउमीन बोलते हैं देखें बन गया है। नहीं भी बॉईल हुआ। हाँ कहीं नहीं खाएंगे। ये क्या है? संजीव कुपार कपूर। संजीव कपार देखिए कपार नहीं कपूर बोलना था। कपार हमने बोला मतलब संजीव कुमार फिर कपूर। इस तरह का हैक ना करें। हैक करने के चक्कर में खुद का ही राय उड़ा लिया है। कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। हैक नहीं किया और हमारे का नोक झोंक चलता रहेगा तो हाँ मम्मी डांटो मम्मी इसको कब से कह रही है दूध लेकर आने को क्योंकि हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति आ रही है जो कि है 14 जनवरी या 15 जनवरी दोनों में से किसी एक दिन है तो उसके लिए चाहिए दूध। दूध चाहिए क्यों? क्योंकि हमें जमाना है दही। दही और चूड़ा उस दिन खाते हैं। हमारे यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत जगह पे इस तरीके का खाते हैं। और उसको कब से बोला जा रहा है कि जाकर दूध लेकर के आओ और ये इंसान दूध नहीं लेकर के आ रहा है। खैर छोड़िए मैं जाती हूँ नूडल्स बनाने। मिलती हूँ आप लोगों से नूडल्स बनाने के। सो गाइस हमारा नूडल्स बनके एकदम रेडी हो गया। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। हालांकि बहुत ज़्यादा ही कुछ घर में अवेलेबल नहीं थी सब्जियाँ तो मैंने बस ऑनियन था थोड़ा बहुत मटर वगैरह था और गोभी वगैरह मैंने डाला नहीं। हालांकि पता नहीं पड़ता है या नहीं बट मैंने डाला नहीं तो भी मैं टेस्ट करके बता दूँ कैसा। और मैंने इसमें सेज़वान डाला है थोड़ा सा एंड कुछ इस तरीके का लुक है। आप देख सकते हो मेरे नूडल्स का एकदम मस्त मज़ेदार। और मैंने ऑनियन मेरे भाई बोला कि क्या नूडल्स बना रही हूँ क्या है बोले ना कि ये वाला जो है ना ये ऑनियन नूडल्स बना है। ऑनियन नूडल्स पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना है यानी मैंने अपना ही नाम दे दिया कुछ भी। तो अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। टेस्ट ठीक है अच्छा है। मैं बहुत बोलते हैं जैसा नूडल्स होना चाहिए वैसा नूडल्स नहीं है बट अच्छा टेस्ट है। मैं मम्मी को भी टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। तो मम्मी को पहले देती हूँ। मम्मी टेस्ट करके बताएंगी कि कैसा बना है। मम्मी
सॉरी क्या डेस्क करके बताओ कैसा बना। हैप्पी न्यू ईयर, इतने दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट करे तो कैसा लग रहा है, खुशी हो रही? बहुत अच्छा। और पापा भी सोए हैं, बताओ कैसा बना। ठीक बना। ये गाइस, सो मम्मी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया, इट मींस कि अच्छा बना है। और पता नहीं भाई को का पसंद है, हाल मम्मी उसको कुछ भी बनाओ तो पसंद ही नहीं आता उसको। गाजर इनको नहीं मिला। अच्छा नेक्स्ट राउंड में डाल देंगे, अभी खा के खाओ। और मम्मी की फ्रेंड्स जितनी है ना, सब बोलती बेटी व्लॉग नहीं डाल रही, बेटी व्लॉग डाल रही। मम्मी कह रही है अरे ये तुम व्लॉग नहीं डाल रही हो, इतने दिन से सब लोग वेट कर रहे हैं। सो जितनी भी मासी हैं, जितनी भी आंटी हैं, सॉरी हम इतने दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रहे थे, अब से कंटिन्यू होगा मेरा व्लॉग, है ना मम्मी? और मम्मी आप लोगों को हमेशा दिखते रहेगी खाते हुए। तो चलो आ गए हैं हमारे गुमनाम देवता, क्या लेके आए हैं सर? यही क्रीम वाला, ये होता है क्रीम वाला, वो थोड़े होता है क्रीम वाला, नहीं क्रीम थोड़े होता है, क्रीम यही हुआ। लो चाय पत्ती। कितना पड़ेगा वो वाला चाय पत्ती में, क्या प्रॉब्लम है? 3 किलो लाए हैं। अच्छा ठीक है, लाए रख दो, किचन में रखो, किचन में, फ्रिज में रखो, फ्रिज में डाल दो। मम्मी जा इसका चाय बनाओ तो देखें टेस्ट करके कैसा है। अच्छा वो वाले से ठीक है। तो जो चायपत्ती हमारे वहाँ पे आई है वो चायपत्ती अच्छी नहीं आई है, तो मम्मी का मतलब इट इज कॉल्ड अंडा नूडल्स, एग नूडल्स, इट इज कॉल्ड अंडा नूडल्स, इट इज कॉल्ड, अरे चलाने में तो चाउमीन टूटता, नूडल्स, नूडल्स के चलाने में तो वो टूटता ही है भाई, नहीं टूटता है। सी आई एम नॉट प्रोफेशनल कुक। तुम कुक नहीं, तुम हो फूल हो तुम। शट अप, जस्ट ईट इट। तो खाएंगे। सो काफी दिन से, सो गाइस काफ़ी देर से ये कह रहा था कि इसको एग नूडल्स चाहिए, और मेरे कैमरा पे भाप की वजह से वो जम गया है। क्या बोलते हैं इसको, भाप की वजह से वो क्या होता है, पानी। सो ये रहा मेरा अंडा नूडल्स, टाटा, एंड इज गोइंग टू टेस्ट इट। पता नहीं कैसा बना है, हाँ हमको मालूम था। सो गाइस कुछ भी बनाओ और इस बंदे को कभी भी पसंद नहीं आ सकता। हरा मिर्च तुमको कच्चा चाहिए? हाँ, कट के लाओ। ओके, और अनियन और सॉस दो, और क्या साथी हो रहा। कभी भी इस लड़के को ना कुछ भी बनाओ और फटाक से पसंद आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब एक बार में कभी भी इसको पसंद नहीं आ सकता जो भी मैं बनाऊँ। ये पकड़ो तुम्हारा सॉस। ओके नहीं तुम पकड़ो मत, क्योंकि तुम अंडा खा रहे हो और मम्मी जान ले लेगी मेरा। पकड़ देखना, ये रहा इसका हरा प्याज, सॉरी प्याज और हरी मिर्च। डन इट गाइस, एंड आई एम फ्री फॉर माय वर्क। थोड़ा बहुत यहाँ पे मेसी हो गया, बिकॉज मेरा जो दूध है यहाँ पे बॉईल कर रही थी और थोड़ा सा गिर गया, तो मम्मी से डांट पड़ने वाली है। ओके डांट खा लेंगे थोड़ी सी। और नूडल्स और मैंने बॉईल करके रखा है, जब दीदी ऑफिस से आएंगी तो फिर देखते हैं, बनाना होगा तो बनाएंगे, अदरवाइज देखते हैं कुछ और बनेगा, घर पे तो बन जाएगा। तो आई जस्ट होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।